जय हिंद दोस्तों। देखिए, रेलवे के अंदर ग्रुप डी की जो नौकरी है वो 33 नंबर वाला भी ले सकता है। देखिए, यही आज मैं आपको बताऊंगा और साथ में ही हम बात करेंगे इस बार जो सेल स्कोर है वो क्या रहने वाला है, कौन से जॉब में कम नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, ठीक है, और आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, कितना एग्जाम जो हो किस तरह से आपको हैंडल करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मात्र 33 नंबर के अंदर नौकरी, तो इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कट ऑफ। ये जो कट ऑफ है वो पिछली बार की कट ऑफ है, मैंने मेंशन किया यहाँ पे। देखिए, इलाहाबाद, भोपाल, अहमदाबाद, बेंगलोर, अजमेर, बिलासपुर, पटना, रांची, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, चेन्नई, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई, सिकंदराबाद और कोलकाता, तो यहाँ पे जो कट ऑफ रही थी वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। सबसे कम कट ऑफ अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए सबसे कम कट ऑफ बेंगलोर की रही थी, ठीक है, जिसे हुबली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस बार इस जोन का नाम हुबली, मतलब जो वैकेंसी आई है वो हुबली के नाम से आई है। पिछली बार यहाँ पे जो वैकेंसी थी वो बेंगलोर के नाम से थी, ठीक है। अब देखिए, सबसे कम अगर हम देखें ओबीसी के अंदर, तो ओबीसी के अंदर देखिए सबसे कम जो कट ऑफ है वो गई है 56, यहीं पर हुबली या फिर बेंगलोर के अंदर। अगर हम देखें एससी की जो कट ऑफ है वो गई है यहीं पर सबसे कम, और एसटी की अगर हम देखें, एसटी की भी कट ऑफ सबसे कम यहीं पर ही गई है, ठीक है। बाकी एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ सभी जगह पर 40 ही रही थी। अब देखिए, ये जो कट ऑफ है वो है रो मार्क्स के बाद के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जुड़कर जो कट ऑफ निकलती है वो, यानी कि सबसे इसके अंदर नंबर नॉर्मलाइज मार्क्स भी जुड़े हुए हैं, यानी कि पिछली जो 2018 की जो वैकेंसी थी इसके अंदर जो टॉप स्टूडेंट रहा था उसके 100 में से 121 नंबर आए थे। देखिए, 100 में से 121 नंबर आए थे, एक स्टूडेंट नहीं, काफी संख्या में स्टूडेंट थे, 1000 से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 100 से प्लस नंबर आए थे। अब मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम चाहे कैसा भी हो, शिफ्ट की संख्या ज्यादा होने के कारण आप जितना भी एग्जाम कवर करते हो आपके नंबर घटेंगे नहीं, हमेशा ही आपके नंबर बढ़ेंगे। ग्रुप डी के अंदर इतनी ज्यादा शिफ्ट है होगी कि इसके कारण आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, घटेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप इन जोन से है, बेंगलोर जिसे इस बार हुबली बोला जा रहा है, चेन्नई और मुंबई के दोनों जोन और कोलकाता, इस बार यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बहुत ही जीरो आप कह सकते हो, बहुत ही कम कंपटीशन है, ठीक है। यहाँ की कट ऑफ मैं आपको, कट ऑफ या सेल स्कोर आप जो भी बोलो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम का शेड्यूल है उसमें से आपको कितना जो पेपर है वो अटेंड करना है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग का आप विशेष ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा और टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट का, और 100 टोटल क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, मैथ के 25, रीजनिंग के 25, सीए और जीएस के 25, साइंस के 25। अब साइंस की अगर बात करें तो फिजिक्स के लगभग 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायो के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, औसतन इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, आपको अटेंड कितना करना है, अब मैं बात करूं अटेंड की, तो देखिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मैं ज्यादा आपको नहीं कहूंगा, मैथ के अंदर आपको 15 क्वेश्चन तो अटेंड करने, बिल्कुल सही की ही मैं बात कर रहा हूँ, तुक्के की मैं नहीं बात कर रहा या फिर नेगेटिव की मैं बात नहीं कर रहा, बिल्कुल राइट क्वेश्चन जो आपके होंगे, ठीक है, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 15 से लेकर 20 तक क्वेश्चन, मैं यहाँ पे आपको 18 क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए, सीए और जीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम थोड़ा ही लेंगे, देखिए कितने 15 क्वेश्चन। अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पर भी हम 15 क्वेश्चन लेंगे। अब देखिए टोटल कितना हो जाता है, तो देखिए टोटल कितना हो जाता है इनका, 15, 15, 30, 45, 15, 60 और 3, 63, यानी आप आसानी से आप 63 नंबर सही लेकर आ सकते हो, मैं सही की बात कर रहा हूं, अगर पेपर मॉडरेट लेवल का आता है, ठीक है, अगर पेपर मॉडरेट लेवल का आता है, ना तो इजी और न ही हार्ड, ठीक है, तो आप आसानी से इसके अंदर 100 में से
63 नंबर लेकर आ सकते हो, यानी 63 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर सकते हो। ठीक है, यही आपको रेशियो रखना है कि आपको मैथ के अंदर कम से कम 15, रीजनिंग के अंदर कम से कम आपको 18, और सीए और जीएस के अंदर 15, साइंस के अंदर 15। टोटल आप अगर इतना रेशियो रखते हो तो आप आसानी से, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, आप चाहे किसी भी जोन से हो। देखिए, अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम 60 सेफ स्कोर रखें, अगर आप 100 में से 60 नंबर लेकर आते हो, यानी 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन सही कर देते हो बिना नेगेटिव के, ही बोल रहा हूं मैं कि नेगेटिव के बाद में अगर आपके 60 क्वेश्चन बचते हैं, तो चाहे आप किसी भी जोन से हो, आपका सिलेक्शन श्योर है, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, ये जॉब आपकी 100% हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम है, लगभग 1 करोड़ के लगभग कैंडिडेट इस एग्जाम के अंदर बैठेंगे। ठीक है, फॉर्म भरा हुआ है और लगभग 1 लाख जो फॉर्म वैकेंसी है इसके अंदर, ठीक है, 1 लाख वैकेंसी है, तो इसमें से 50% बच्चे भी एग्जाम देने नहीं जाएंगे क्योंकि वो पहले ही एग्जिट कर चुके हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत सी वैकेंसियां बीच में निकल चुकी है, उनके अंदर लग भी चुके हैं। ठीक है, वो बच्चे ये एग्जाम देने नहीं आएंगे। ठीक है, हो गया। तो अब आपके लिए जो कंपटीशन है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर ये जो जोन मैंने आपको बताई है, अगर आप इन जोन से फॉर्म भरा है तो आपके अगर 45 नंबर भी आते हैं, 100 में से अगर 45 क्वेश्चन भी सही होते हैं, तो आपका श्योर सिलेक्शन है, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका सेफ स्कोर, ये हो गया सभी जोन के लिए, और ये जो टॉप सेफ जोन है उनके लिए, यानी जहां पे कंपटीशन बिल्कुल ही लो है वहां पे सेफ जोन हो गया। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, मात्र 33 नंबर पर नौकरी। देखिए, पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको शायद याद होगा, वहां पे मैंने बोला था कि 30 नंबर वाला कैंडिडेट भी इसके अंदर जॉब लेकर गया था। तो पिछली भर्ती के अंदर अगर हम बात करें बेंगलोर जोन की, इस जोन में पिछली भर्ती के अंदर इस जोन में जिस कैंडिडेट के 33 नंबर बने थे, मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, रो मार्क्स 33 बने थे और उसके 62 नंबर हुए थे। काफी स्टूडेंट ऐसे थे जिनको जॉब मिली थी मात्र 33 नंबर पे, रो मार्क्स 33 थे उसके और बाद में उसके 62 नंबर हो गए थे, उसका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आया था। ठीक है, तो आप अब सोच सकते हो कि वहां पे ओबीसी एससी एसटी के जो कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ कितनी ही डाउन गई थी। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, इसके अंदर अभी भी लगभग दस के नजदीक जो वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, पिछली 2018 की जो वैकेंसी थी इसकी अभी भी वेटिंग लिस्ट आ रही है, यानी कि इस बार भी कंपटीशन बहुत ही लो होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस जो वो बहुत से कैंडिडेट ज्वाइन ही नहीं करते हैं, या तो उनका कहीं पर पहले ही सिलेक्शन हो जाता है, या फिर वो इस जॉब को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने के लिए ही ज्वाइन करते हैं। ठीक है, बाकी इसको ज्वाइन नहीं करते, ज्वाइनिंग इसके अंदर नहीं लेते, इस कारण से इसकी वेटिंग लिस्ट निकलती है। तो इस बार आपका सेफ स्कोर, चाहे आप किसी भी जॉब से हो, आपको टारगेट जो हो 60 का रखना है। ठीक है, बाकी आपका बहुत से ऐसे जोन है जो हार्ड लेवल के हैं, उन्हें छोड़कर, जहां पे कंपटीशन ज्यादा है केवल उन्हें छोड़कर, बाकी आपका अगर 100 में से 45 क्वेश्चन सही होता है तो आपकी जॉब फाइनल है। मैं फाइनल जॉब जहां पे ज्वाइनिंग मिलेगी उस तक की बात कर रहा हूं, अगर आपके 45 क्वेश्चन सही होते हैं तो। मात्र इतना ही इस बार इसके अंदर रहेगा कंपटीशन, बिल्कुल ही डाउन रहेगा। तो आप अपनी जी जान लगाकर इसके अंदर जुट जाइए, अभी भी आप अपनी मेहनत शुरू कर सकते हैं, अभी भी टाइम पड़ा है, लगभग 1 से 1.5 महीना अभी भी एग्जाम पड़ा है, तो आप अपनी तैयारी में अभी भी जुट सकते हैं। आप ग्रुप डी की सैलरी क्या होगी पोस्ट वाइज, वो भी मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। इसके लिए आप अगर चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो भी जरूर लेकर आऊंगा। तो फिर मिलता है, तब तक के लिए जय।